इस वीआर टूर को हमने testagain.co वेबसाइट पर भी पब्लिश किया है। वर्चुअल टूर स्टडी मटेरियल पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट करेंगे और हमारे वर्चुअल टूर को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यह कुछ इस तरह ओपन होता है, इसको मैक्सिमाइज करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको पूरा म्यूजियम दिखाई देगा, जो भी गैलरी हैं। सबसे पहले ये पोर्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे वाली गैलरी में जाने के लिए कुछ इस तरह बटन बने होंगे, जिस पर क्लिक करने पर हम आगे वाली गैलरी में जा सकते हैं। यह उत्खनन दीर्घा है, जिसमें खुदाई में प्राप्त अवशेष हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं। इनको चारों तरफ से घूम के देख सकते हैं। इसके जो आगे गैलरी है उसमें जाने के लिए अलग से बटन बना हुआ है, उसमें कॉइन्स दिखाए गए हैं। इस आइकन पर क्लिक करके हम आगे वाली गैलरी में जा सकते हैं। इस गैलरी में कॉइन्स डिस्प्ले किए गए हैं जो खुदाई में निकले थे। कॉइन्स के आगे जो गैलरी है उस गैलरी में जाने के लिए भी यहाँ पर बटन डिस्प्ले किया गया है। इस पर क्लिक करके हम हर्ष माउंटेन नाम से गैलरी है उसको देख सकते हैं। हर्ष पर्वत पर जो भी खुदाई में मूर्तियाँ मिली हैं उनको यहाँ डिस्प्ले किया गया है। यह सभी हर्ष पर्वत में खुदाई में निकली हुई मूर्तियाँ हैं, जो सामान्यतः महामारु शैली की मूर्तियाँ हैं। इसके आगे वाली गैलरी योगिनी आर्ट गैलरी नाम से है। यह सभी मूर्तियाँ भी खुदाई में निकली हैं और उनके जो अवशेष हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। इसके आगे वाली जो गैलरी है इसमें भीम को अश्वत्थामा नामक हाथी को मारते हुए दिखाया गया है। साथ ही यहाँ अन्य खुदाई में निकली हुई मूर्तियाँ भी लगाई गई है। यह भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति भी है, साथ ही महावीर स्वामी की मूर्ति भी, जो यहाँ पास के गांव रेवासा में खुदाई में निकली थी, वो भी यहाँ डिस्प्ले की गई है। इसके साथ ही अन्य छोटी मूर्तियाँ भी हैं। इस दीर्घा में वराह अवतार और महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति भी डिस्प्ले की गई है। यह पास के गांव रेवासा में खुदाई में निकली थी। इसके आगे वाली दीर्घा है उसमें हमें मंदिर बनाने की थीम होती है उसके बारे में बताया गया है। मंदिर में कौन कौन से पार्ट्स काम में लिए जाते हैं, किस तरह के होते हैं, उन सब को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। अलग अलग शैली के जो मंदिर बनते हैं उनमें किस तरह के पार्ट्स काम में लेते हैं, उन सब को यहाँ डिस्प्ले किया गया है। यह सब भी हर्ष पर्वत पर खुदाई में निकले थे। इससे आगे वाली गैलरी में जाने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर रेवासा शिलालेख, हर्ष शिलालेख दिखाए गए हैं, जिनमें यहाँ के चौहान राजाओं की वंशावली संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। नेक्स्ट, इस गैलरी में यहाँ के प्रसिद्ध खंडेला के वस्त्रों को दिखाया गया है, जिन पर चांदी का वर्क किया जाता है। गोटा उद्योग खंडेला का पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इससे आगे वाली गैलरी में राजाओं द्वारा काम में लिए जाने वाले हथियारों को दिखाया गया है। युद्ध के समय इन आयुधों का प्रयोग किया जाता था, इनको भी यहाँ डिस्प्ले किया गया है। सभी हथियार यहाँ के राज परिवार ने प्रदान किए हैं। इसके आगे वाली गैलरी में शेखावाटी के लोक जीवन को दिखाया गया है। यहाँ की हवेलियों पर भित्ति चित्र बनाए जाते थे, जिनमें जो रंग काम में लिया जाता था वो यहीं पर बनाया जाता था। इस प्रकार हमने इस वीआर टूर को कंप्लीट किया है। आशा है आपको पसंद आया होगा।